हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार, नोटबुक स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ऋग्वेदीनकालीन जो नदियां हैं उनको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। उनके पुराने नाम और आधुनिक नाम जो है उसको हम लोग ट्रिक से याद कर लेंगे। और ज़्यादा नहीं, 5 से 7 मिनट आप मेरे वीडियो पर बने रहिए और आपको कुल 11 जो नदी जो दिए हुए हैं नाम आपके लूसेंट पेज नंबर 5 में, तो उसको मैं ट्रिक से आपको समझा दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है आपका कुर्ब। अब यहाँ जो नाम आपके मिलते जुलते रहेंगे उसके लिए मैं जो ट्रिक देने की जरूरत नहीं है। जो डिफरेंस रहेंगे नाम, थोड़ा अंतर रहेगा, उसको मैं ट्रिक से बताऊंगा। जैसे फर्स्ट है आपका क्रूप। तो क्रूप में आप यहाँ देखिए, कु है, यहाँ भी कु है, भौ है, मौ है, भौ के बाद मौ आता है। तो कुर्ब आप याद रखिएगा, कुर्ब को कुर्रम, बस एक याद रखिएगा। नीचे में कुभा है, इसके लिए मैं ट्रिक दूंगा क्योंकि एग्जाम में बच्चे वहाँ अक्सर कुब था कि कुभा है कंफ्यूज कर जाते हैं, तो मैं इसका ट्रिक बताता हूँ। तो यहाँ देख लीजिए, कुब है, यहाँ भी कु है, तो मिलता जुलता है, भाव के बाद म है, तो आप आराम से इसको कर लेंगे कि कुरूप को कुर्रम हम लोग बोलते हैं। सेकेंड है आपका कुभा, और यहाँ क्या है, कुभा जो प्राचीन नाम है इसका आधुनिक नाम है काबुल। तो कुभा में, कुभा को आप कुभा ना बोल के सुभा बोलिए। क्या बोलेंगे, सुभा। जैसे मैंने बताया कि क्षुद्र ग्रह को हम लोग क्षुद्र ग्रह ना बोल के बुध ग्रह बोलेंगे, और बुध किन दो ग्रहों के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में, उसी तरह कुभा को हम लोग सुभा बोलेंगे। और सुबह में हम लोग क्या करते हैं, सुबह में हम लोग चना खाते हैं, बादाम खाते हैं, चना, काबुली चना सब खाते हैं, तो काबुली चना कुभा यानी सुबह में हम लोग काबुली चना खाएंगे। ये आपका ट्रिक हो गया। नेक्स्ट आते हैं वित्सता। वित्सता तो अब यहाँ देख लीजिए, वित्सता जो है झेलम नदी के आपका प्राचीन नाम है, झेलम नदी आधुनिक नाम है, तो इसको कैसे याद करेंगे, वर्ड है यहाँ पर वित्त। वित्त यानी मनी, फाइनेंस। अगर आपके पास वित्त नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा, तो जिंदगी कैसा लगेगा, एक झेल हो जाएगा, उबाऊ हो जाएगा, बोरिंग लगने का लगेगा, कुछ नहीं है, झेल है एकदम। तो वित्तता को हम लोग झेलम, झेल हो रहे हैं, तो याद रखेंगे वित्त है तो झेल हो रहा है जिंदगी, हमारे पास वित्त नहीं है, फाइनेंस नहीं है, जिंदगी झेल रख रहे हैं, तो वित्तता झेलम। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अस्किनी। यहाँ इसका आधुनिक नाम है चेनाब नदी। चेनाब नदी को हम लोग अस्कनी बोलते थे, कैसे याद करेंगे, तो अस्कनी में आप वर्ड देखिए आसिक। आसिक, अब आसिक जो हैं, आसिक लोग होते हैं, वे क्या करते हैं, जनरली अपने गर्लफ्रेंड को पार्क में ले जाएंगे, अगर पार्क नहीं है, गांव देहात में है, तो नदी किनारे जाते हैं, नाव में बैठ के गुप्तगु करते हैं आसिक अपने गर्लफ्रेंड के साथ में। तो आसिक नाव में बैठेंगे तो आसिकनी चेनाब हो जाएगा, आसिक लोग अपने नाव में बैठ के गुप्तगु करेंगे तो चेनाब। नेक्स्ट आते हैं परुसनी। परुसनी का आधुनिक नाम है रावी। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ क्या है, आप परुसनी को यहाँ पुरुष याद कीजिए, यहाँ थोड़ा सा देख पढ़ने से लग रहा है कि हाँ चलो पुरुष वर्ड है। तो इन नदियों में आप देख लीजिए कि कोई भी पुरुष का नाम नहीं है, सिर्फ रावी को छोड़ के, यानी रवि तो पुरुष है, पुरुष रवि एक पुरुष है, याद रखिएगा रवि एक पुरुष है, बस इतना याद रखिए। तो पुरुष नहीं, रावी हो जाएंगे, बाकी में कोई पुरुष नहीं है नदी में। नेक्स्ट आते हैं सतुद्री। इसके लिए ट्रिक का जरूरत नहीं है, देख लीजिए यहाँ भी स है, यहाँ भी स है, अंतर है तलाबी स और दंती स में, तो यहाँ स है, यहाँ भी स है, यहाँ त है, यहाँ भी त है, तो मिलता जुलता है नाम है, ट्रिक इसमें देने की जरूरत नहीं है। तो सतुद्री सतलज। नेक्स्ट है विपासा। वर्ड यहाँ पकड़िए आप पासा। पासा यानी डाइस, लूडो खेलते हैं ना हम लोग, तो वही डाइस पासा। कैसे याद करेंगे, तो पासा के लिए हमको क्या करना है कि ये पासा का हमको डायमीटर निकालना है, यानी उसका व्यास निकालना है, ठीक है। पासा जो आपका स्क्वायर, स्क्वायर जैसा होता है, इसका शेप स्क्वायर होता है, ठीक है, पासा डाइस का, तो उसका हम लोग क्या निकालेंगे, व्यास निकालेंगे, यानी डायमीटर निकालेंगे, तो पासा व्यास। नेक्स्ट आते हैं सदा नीरा। सदा नीरा मतलब जहाँ हमेशा, नीरा को पानी बोलते हैं, तो जहाँ हमेशा पानी बहते रहती है, तो सदा नीरा का आधुनिक नाम है आपका गंडक। अब हम लोग इसको कैसे याद करेंगे, तो सदा मतलब हमेशा और नीरा मतलब पानी, तो जहाँ हमेशा पानी बहती रहती है, आप देखिए तालाब में, पोखर में, नदी में, तो क्या होता है डक। यहाँ वर्ड पकड़िए डक, तो गंडक से डक, यानी सदा नीरा में, पानी में, तालाब में, जहाँ हमेशा पानी बहेगी, तो वहाँ सदा नीरा में आपका डक भी चलेगा, यानी
गंडक हो जाएंगे। इसे आप याद रखिएगा, डक वही बतख जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं दृश्य द्योती। दृश्य द्योती का आधुनिक नाम है घग्गर। अब यहाँ वर्ड है दृश्य, दृश्य, दृश्य। तो हम लोग जब घर वगैरह बनाते हैं तो आपको एक ब्लूप्रिंट तैयार करना रहता है, या आप नक्शा बनवाते हैं, उसके आसपास का माहौल देखते हैं, दृश्य देखते हैं कि कैसा है, अगल बगल रोड ठीक है कि नहीं है, क्या है, गंदगी है, साफ है, तो दृश्य देखते हैं घर बनाने के लिए। तो दृश्य हम लोग देखेंगे क्या, घर बनाने के लिए। तो फ्रेंड दृश्य का हो जाएगा आपका घर यानी घग्गर। वर्ड को पकड़ेंगे, क्वेश्चन आएगा ऑप्शन में, आप जरूर उसको टिक कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं गोमती। इसका कोई ट्रिक नहीं है, देख लीजिए तीन वर्ड मिल रहा है गोम, यहाँ भी गोम मिल रहा है, तो गोमती से गोमल। गोमती प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम है आपका गोमल। नेक्स्ट आते हैं सुवस्तु। यहाँ भी देख लीजिए इसका ट्रिक का जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने सारे नदी में आप देख लीजिए तो सु है, यहाँ भी सौ है, वह है, वह है, लास्ट में त है, तो तीन आपके जो हैं वर्ड यहाँ मिल जा रहे हैं। तो इसका मुझे नहीं लगता है कि इसको ट्रिक से याद करना जरूरी है, जो जरूरी थे मैंने उसको आपको ट्रिक से याद कराया। चलिए एक बार, एक मिनट लगेगा, हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट है क्रूब, तो कुर्रम, कुभा, कुभा को हम लोग सुबह बोलेंगे, और सुबह में हम लोग काबुली चना खाते हैं, चना खाते हैं तो काबुली चना खाएंगे। नेक्स्ट है विस्तता, आपका झेलम, तो अगर वित्त नहीं रहेगी तो आपको जिंदगी झेल लगेगी, झेलम। आस्किनी, आशिक लोग नाव में जाके गर्लफ्रेंड से नाव में बैठ जाते हैं नदी में और गुफ्तगू करते हैं, तो चिन्नाव, नाव यानी चिन्नाव। परुस्नी, परुस्नी तो रावी यानी रवि एक पुरुष है, तो परुस्नी यानी रावी। नेक्स्ट है सतुद्री, सतुद्री का मिलता जुलता है सौ त, यहाँ भी सौ त, तो सतलज हो जाएगा। विपासा, पासा का हमको क्या करना है, उसका व्यास निकालना है, डायमीटर निकालना है, तो पासा यानी विपासा और आधुनिक नाम व्यास हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सदा नीरा, हमेशा जो पानी में बहते रहेगी तो आपका डक फ्लोटिंग करते रहेंगे, चलते रहेंगे, डक यानी बतख, तो गंडक हो जाएगा, डक से गंडक। नेक्स्ट आते हैं दृश्य द्योती, घर बनाना है तो ब्लूप्रिंट अच्छा से रखना होगा, दृश्य हमारा अच्छा रखना होगा घर का, आसपास का, तो दृश्य होना चाहिए घर के आसपास का, दृश्य अच्छा होना चाहिए घर बनाने के लिए। नेक्स्ट है गोमती, गोम है, यहाँ भी गोम है। सुवस्तु, सु है, सु है, वह है, वह है, तो है, यहाँ भी तो है। तो दोस्तों ये मैंने आपको 7 मिनट में, मैंने कहा था कि आपको 11 नदी आपको मिनटों में मैं याद करा दूंगा, तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए अब हम लोग इसी बोर्ड में फटाफट आपके ऑप्शन दे के मैं इसको तुरंत हम लोग MCQ में इसको सॉल्व करते हैं, और ये आप खुद कीजिएगा। आइए आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं इसी बोर्ड पे, ताकि आपका फटाफट इसका रिवीजन भी हो जाए। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि कुर्ब नदी का यहाँ प्राचीन नाम दिया हुआ है, कुर्ब नदी का यहाँ आधुनिक मैं लिख देता हूँ, आधुनिक नाम। तो कुर्ब नदी का आधुनिक नाम क्या है, आपके पास ऑप्शन है गोमल, बी काबुल, सी रावी या डी कुर्रम। सोचिए, तो मैंने बताया था जो मिलता जुलता नाम है, आपको मैं 2 सेकंड दे रहा हूं, आप देख लीजिए कुर्ब का आधुनिक नाम, तो ये हो जाएगा कुब, और मैं बताया था दोनों में कु, दोनों मिलता जुलता रहेगा, तो अब भौ के बाद म आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कुर्रम, डी। सेकंड है कुभा, कुभा का आधुनिक नाम क्या है, स्वात, गंडक, काबुल या कुर्रम, ये आपके पास है 2 सेकंड का टाइम है, आप आंसर दीजिए। कुभा का आधुनिक नाम स्वात, गंडक, काबुल या कुर्रम, तो इसका आंसर होगा आपका कुभा यानी सुबह, और सुबह में हम लोग क्या खाएंगे, काबुली चना खाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका काबुली, काबुल। नेक्स्ट है 3 नंबर वितस्ता, तो इसका आंसर दीजिए, ऑप्शन है झेलम, बी रावी, सी सतलज, डी चेनाब, तो इसके आंसर हो जाएंगे आपका, अगर हमारे हम लोग के पास पैसा नहीं है, वित्त नहीं है, तो क्या होगा, जिंदगी एक झेल लगेगी, बोर लगेगी, झेल हो जाएंगे, तो हम लोग का इसका आंसर होगा 3 का ए, झेलम। नेक्स्ट आते हैं आस्किनी का आधुनिक नाम, रावी, बी चेनाब, सी गंडक, डी गोमल,
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आस्किनी, यानी आसिक लोग कहाँ करेंगे, नाव में जाके गर्लफ्रेंड के साथ गुप्तगु करेंगे, तो नाव नाव, तो ये हो जाएगा आपका आसिक। तो नाव यहाँ दिया हुआ है यानी चेन्नाब इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, परुसिनी का आधुनिक नाम क्या है? ऑप्शन है ए रावी, बी काबुल, सी झेलम, डी घग्गर। तो मैं बोला था परु, तो यहाँ परुसिनी को पुरुष याद कीजिए, और पुरुष एक ही नदी है इसमें, वह है रवि यानी रावी। तो आपका ये हो जाएगा ए इसका आंसर हो जाएगा, परुसिनी का रावी, रावी एक, रवि एक पुरुष है। नेक्स्ट है सतुद्री, ऑप्शन है आपके पास झेलम, बी रावी, सी स्वात या डी। तो मैं बोला था कि दो तीन आपके ऐसे हैं जिसके लिए आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं रहेगी। तो देखिए सतु, यहाँ सौ और तौ है, तो यहाँ भी सौ और तौ है। मैं बताया था कि खाली तलाबी सौ और दंती सौ का अंतर है, तो सौ तौ यहाँ भी है, सौ तौ यहाँ भी है, तो सतुद्री का सतलज होगा। नेक्स्ट आते हैं विपाशा का आधुनिक नाम क्या है? ए रावी, बी व्यास, सी झेलम, डी सतलज। तो मैं इसका बताया था कि पासा, पासा यानी डाइस, उसका क्या निकालना है हम लोग को, व्यास निकालना है, डायमीटर निकालना है। तो पासा का हम लोग को व्यास निकालना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी डायमीटर। नेक्स्ट है सदा नीरा, इसका ऑप्शन है आपका ए झेलम, बी चेनाब, सी गंडक, डी रावी। इसका आंसर होगा आपका सदा नीरा, यानी जहां पानी हमेशा बहता है, तो कौन वहां आपका डक बतक जो है वह तैरते रहेगी, डक यानी गंडक। तो आंसर होगा आपका सी गंडक, सदा नीरा का आधुनिक नाम गंडक। नेक्स्ट है दृश्य दोती, ऑप्शन है आपके पास ए चेनाब, बी सतलज, सी रावी और डी घग्घर। तो इसका आंसर होगा दृश्य। अब हमको दृश्य है अपना घर बनाना है, तो आसपास का दृश्य बढ़िया होना चाहिए, आपका ब्लूप्रिंट भी अच्छा होना चाहिए। अगर घर बना रहे हैं आप आर्किटेक्चर से, तो दृश्य आपका घर हो जाएगा, तो दृश्य और घर। नेक्स्ट आते हैं गोमती, ऑप्शन है ए रावी, बी गोमल, सी सतलज, डी काबुल। तो गोमती का आधुनिक नाम होगा, मैं बताया था इसमें तीन वर्ड हो रहे, गोम यहाँ भी गोम, ये तीन वर्ड इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी गोमती गोमल। नेक्स्ट है और लास्ट है हमारा सुवस्तु का आधुनिक नाम क्या है? ए सतलज, बी रावी, सी गंडक, डी स्वात। तो सुवस्तु यहाँ भी मैं बोला था कि दो तीन में ये भी एक शामिल है, तो सु यहाँ भी है, सौ यहाँ भी है, व यहाँ भी है, व यहाँ भी है, शुरू के दो वर्ड मिल रहे लास्ट में तो तीन मिल जा रहे हैं, तो सुवस्तु का आपका हो जाएगा स्वाद। तो दोस्तों ये थे आपके महत्वपूर्ण 11 ऋग्वेदकालीन नदियाँ, जिनसे अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे इसमें कन्फ्यूज भी करते हैं। तो आई होप आज के बाद आपको ये याद रहेगा। मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप भूलने लगे तो एक से एक बार इस वीडियो को जरूर देख लें, ताकि आपका जो भूल रहे हैं उसको रिकॉल हो जाए। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।